यदि किसी एलएलपी का नाम किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम से मिलता जुलता है तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर शिकायत दर्ज करे और बोले कि इस एलएलपी को बोलो कि हमारा नाम रिजेंबल है, मिलता जुलता है, तो अपना नाम चेंज करे, तो वेदर दिस एलएलपी इज लाइबल? सो द आंसर इज नो. क्यों क्यों वो लाइबल नहीं है, इसका जवाब सेक्शन 17 देता है एलएलपी एक्ट का. देखिए दोस्तों, जब भी कोई एलएलपी का बस नाम जो है वो किसी दूसरी कंपनी एलएलपी या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से यदि मिलता जुलता है तो ये जो है ये अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म 23. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि इनका नाम, हमारा जो नाम है वो एलएलपी से मिलता जुलता है, तो एलएलपी को बोलिए कि वो अपना नाम बदले. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो है वो ऑर्डर करेगी इस एलएलपी को, फॉर्म 22 में वो ऑर्डर करती है कि ये एलएलपी अपना तुम नाम चेंज करो 3 महीने के अंदर अंदर. ठीक है, तो फिर ये एलएलपी जो है वो लाइबल है, बाउंड है कि उसको 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना रहेगा. फिर ये एलएलपी जब अपना नाम चेंज कर लेगी तो इस बात की इंटीमेशन उसको आरओसी को देना पड़ेगा, सो दैट आरओसी जो है वो अपने सिस्टम में इस चीज़ को अपडेट कर ले. नाम चेंज के 15 दिन के अंदर फॉर्म 5 फाइल होगा, दैट इज ये फॉर्म होता है नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी. साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी इसमें साथ लगा दिया जाएगा, चूंकि हम ये बताएंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण अपना नाम बदल रहे हैं, और इसे आरओसी को 15 दिन के अंदर नेम चेंज के फाइल कर दिया जाएगा. फिर आरओसी को जैसे ही रिसीव होगा तो आरओसी फ्रेश जीओआई इशू कर देगी उस एलएलपी को. अब जैसे ही फ्रेश जीओआई इशू हो जाएगा एलएलपी को तो 30 दिन के अंदर अंदर फिर एलएलपी जो है अपना एलएलपी एग्रीमेंट में अपडेशन कर देगी. अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने का ये है कि दोस्तों, जो ट्रेडमार्क जो रजिस्टर्ड ओनर है ट्रेडमार्क का, वो सिर्फ 3 साल का उसका यहाँ टाइम लिमिट दिया गया है. 3 साल का क्या टाइम लिमिट दिया गया है कि अगर कोई न्यू एलएलपी है तो जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुई है तब से, और यदि कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो जब भी उसका नाम चेंज हुआ उसके 3 साल के अंदर अंदर वो ट्रेडमार्क का ओनर जब उसको मालूम चलेगा तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि अप्लाई कर सकता है, डेट इज़ फ्रॉम 23, वो 3 साल के अंदर ही फाइल कर सकता है नेम ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए. बट कंपनी और एलएलपी के लिए यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ये कभी भी जब उनको लगेगा कि इस एलएलपी का नाम हमारी एलएलपी या कंपनी से जो है मिलता जुलता है वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. अब एक बात पॉइंट और आ सकती है कि यदि एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है तो भी वो डिफॉल्ट कर रही है, अगर अपना नाम नहीं बदलती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करके उसका नाम खुद बे खुद जो है वो चेंज कर देगी और उसको फ्रेश COI जो है वो इशू कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो उसका नाम रहेगा कुछ अजीब और गरीब अल्फा न्यूमेरिक टाइप का रहेगा, तो ऐसा तो कोई एलएलपी नाम अपना रखना नहीं चाहेगा. तो अगर एलएलपी चाहे तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद जब उसका नाम बदला जाएगा उसके बाद फिर वो अप्लाई कर सकती है और अपना नया नाम जो है वो रख सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 17 ऑफ द एलएलपी एक्ट.